भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश प्रांत चित्तौड़ जिला अजमेर के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार से की किसानों को दो प्रस्तावों पर निर्णय की मांग। बुधवार को भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश प्रांत चित्तौड़ जिला अजमेर के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय किसान संघ अजमेर जिला कलेक्टर से मांग करता है कि भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो कि विगत 23 से 25 फरवरी 2024 को किशनगढ़ में आयोजित की गई थी, उसमें दो प्रस्तावों को गहन विचार विमर्श के बाद पारित किया गया है। प्रथम मिलेट्स के विपणन की स्थायी व्यवस्था हो, द्वितीय किसानों के नाम पर राजनीतिक चुनावी पैतरेबाजी बंद हो। उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को राज्य व केंद्र सरकार स्वीकार कर व्यवहारिक धरातल पर उतारे। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ यह भी मांग करता है कि किसानों को कई प्रकार की परिस्थिति व अन्य समस्याओं से नित्य प्रति सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के भली प्रकार से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण किसानों को उसका आंशिक लाभ भी नहीं मिल पा रहा। अधिकारी वर्ग किसानों को नियमों में उलझाकर बीमे के प्रीमियम जमा होने के बाद भी बीमा का लाभ नहीं दे पा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, जबकि सरकार अभी 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही रजिस्ट्रेशन कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक सरसों व चने की खरीद भी शुरू नहीं की, जिससे किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बाजार में बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से चने और सरसों की खरीद शुरू की जाए, साथ ही प्रशासन द्वारा समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी अपनी बेरुखी ना दिखाई जाए और किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को यथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यदि इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश को भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय लेवल पर जो अजमेर में बैठक हुई थी प्रतिनिधि सभा, उस प्रतिनिधि सभा में दो प्रस्ताव पास किए थे। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष के 800 से ज़्यादा पदाधिकारी प्रत्येक जिले से हिंदुस्तान के आए थे। उस प्रस्ताव के अनुसार दो प्रस्ताव मुख्य रूप से हमने लिए थे भारतीय किसान संघ ने। उनमें एक तो है श्री अन्न, जिसे मिलेट्स बोलते हैं। उन मिलेट्स के बारे में सब जगह प्रोत्साहन तो चल रहा है, कहने को तो सारी बातें हो रही है, लेकिन एक सुचारू उसके विपणन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब तक विपणन की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक किसान अगर पैदा भी कर देता है तो उपभोक्ता के पास वो पहुंच नहीं पाता है। और मिलेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, कुपोषण है, संपूर्ण रूप से जो मिलने चाहिए मिनरल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे मिलेट्स में मिलते हैं, श्री अन्न में मिलते हैं। इसमें रागी है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये जो मोटे अनाज के रूप में जो जाने जाते हैं, इनके विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस श्री अन्न की विपणन की व्यवस्था ठीक से करें, रासायनिक खाद, कीटनाशक या अन्य जो आवश्यकताएं दूसरे अन्न को पैदा करने में होती है, इस मोटे अनाज को पैदा करने में इनकी आवश्यकताएं नहीं होती है। तो जब मोटे अनाज को पैदा करने में नहीं होती है तो ऑर्गेनिक रूप से ये पैदा होने में ज़्यादा सक्षम है, और जब ऑर्गेनिक चीज़ किसी को भी मिलेगी तो उसके रासायनिक उत्पाद के प्रभाव से जो बीमारियाँ होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है और जो खर्चा अधिक होता है किसान का, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और मिलेट्स के उपयोग करने के कारण हम एंटीऑक्सीडेशन, प्रोटीन, पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा, ये सब उसमें मिलते हैं। तो उनकी प्रॉपर विपणन की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि अभी खरीद सुचारू रूप से हुई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेट्स ईयर घोषित किया था, पिछला साल ही पन्ना निकला है मिलेट्स ईयर के रूप में। केवल मिलेट्स ईयर घोषित करने मात्र से इसकी मांग भी बढ़ी है, इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन इसको खरीदने और बेचने की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण ये न तो किसान के पैदा होने के बाद वहाँ से उठ पा रहा है और न प्रॉपर जिस व्यक्ति को चाहिए
उस व्यक्ति तक ये पहुंच रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो प्रमुख 5 समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, जल प्रबंधन है, रोजगार सृजन है, कुपोषण का प्रबंधन है, ये सभी की समस्याओं से केवल एक श्री अन्न की अगर विपणन की और सप्लाई की पीडीएस में व्यवस्था ठीक से हो जाए तो इनसे सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि श्री अन्न की खेती बहुत मात्रा में किसान कर रहे हैं। अब जब श्री अन्न की खेती कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि नए नए कंपनियां नए नए प्रयोग करके उनके जो ओरिजिनल जो वास्तव में उनके साथ बीज की गुणवत्ता उसके साथ छेड़खानी कर रही है, डीएनए के साथ छेड़खानी कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इनकी परंपरागत जो बीज संरक्षण की और संवहन की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही चलें। परंपरागत रूप से बीजों को हम इकट्ठा करना चाहें, उसकी उपलब्धता कराएं और इसके लिए एक नीति बने, एक प्रोसेस बने। दूसरा प्रस्ताव है हमारा कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं ये हिंसात्मक, जो किसानों के नाम पर राजनीतिक चुनावी पैंतरेबाजी होती है, भारतीय किसान संघ इस पैंतरेबाजी से पूर्णतया अलग है। भारतीय किसान संघ इस चुनावी पैंतरेबाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कहीं भी किसी भी स्तर पर हिंसक आंदोलन को प्रोत्साहन समर्थन और सहायता कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी रूप में। किसान हिंसा के लिए नहीं है सर, किसान अन्न उत्पन्न करके पेट पालने के लिए काम करता है, किसी की जान लेने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए काम करता है। इसलिए हम किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं। साथ ही साथ हिंसक आंदोलन के प्रति जो शासन प्रशासन और समाज की जो व्यवस्था है वो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो भी हिंसात्मक काम करते हैं उनके प्रति समाज भी, प्रशासन भी और शासन भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं।